अच्छा नहीं बोलनी चाहिए, और पहली बार नहीं बोल रहे वो, कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा, किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में, किसको याद आते हैं? तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। अभी हाल ही में कुशीनगर का एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, बजट और समाजवादी सरकार में बना, पूर्वांचल के विकास के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और जितनी भी कार्रवाई होनी थी समाजवादी सरकार में हुई लैंड एक्विजिशन से लेकर के अलाइनमेंट, आज वो उद्घाटन होने जा रहा है। ये समाजवादी काम है, आज भी उद्घाटन समाजवादी सरकार के हो रहे हैं। तो जब जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम ही ना किया हो तो जनता में जानबूझ करके ऐसी बातें कहना और व्यक्तिगत, ये तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव आया कहाँ है, अभी 13 का भाषण सुन लेना, 16 का भाषण सुन लेना, और फिर जब चुनाव आएगा तो और भाषण सुन लेना। ये समाजवादी साइकिल है जो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाएगी, और समाजवादी लोग विकास ही करेंगे उत्तर प्रदेश का, विकास से हटने वाले नहीं है। अभी वो एक अभी चीज और लेके आ रहे हैं, भी हम जाने से पहले एक चीज लाएंगे, हम कहेंगे वो एक चीज जो भूल गए थे वो जल्दी ले आओ सामने, वो एक चीज भूल गए थे, इत्र के साथ नहीं आ पाई थी, आ रही है अभी चीज, आप सब समझ जाओगे। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इसकी क्या कीमत हो गई है, सोचिए आप। कम से कम हमारे साथी मतदार साथी हो, बीजेपी बताए इसकी कीमत कब कम होगी, खाली इसलिए लाए क्योंकि अगर भराने जाएंगे तो कीमत पता लग जाएगी कितने में भराना है। कौन, किस प्रदेश के हैं ये? मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, सड़क हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो, और जो स्कीम्स चलाई थी एक से एक बेहतरीन स्कीम्स चलाई, और पुलिस को सबसे ज्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस अगर कोई लाने का काम किया समाजवादी सरकार में हुआ, जिसमें डायल 100 बनकर के आया और बाद में नाम बदल दिया गया। कोई क्षेत्र नहीं बचा था जिस क्षेत्र में अलग तरीके से काम और वर्ल्ड क्लास काम न हो रहा हो।